ये देखिए कितने अच्छे पराठे हमारे, फिलिंग जो हमने भरी थी कितनी अच्छी लग रही है इसमें। तो ये देखिए चार किस्म के पराठे मैंने बनाई हूँ, ये देख सकते हैं आप, सब एक ही जैसे मजे के हैं। एक ही फिलिंग में हमने चार पराठे तैयार किए, ये देखिए। तो ये कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते, रेसिपी शुरू करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा प्यारा किचन। यहाँ देखिए मैंने 400 से 500 ग्राम के करीब मैंने गेहूं का आटा ली हूँ। तो ये इसमें डाल देती हूँ मैं, बड़ा कटोरे के नाप से ली हूँ। और इसी के साथ थोड़ा से हम स्वाद के मुताबिक नमक, नमक कम लेंगे क्योंकि आगे भी नमक जाने वाला है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से पानी डाल के हम इसका एक अच्छे से आटा गून लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 गिलास पानी मैंने ली हूँ, आगे भी हम आपको पानी दिखाएंगे कितना पानी इसमें लगा है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी डाल के आटे को हम गून लेते अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा गून ली हूँ, थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा लेती हूँ और इसको मैं चिकना करके साइड में 10 मिनट के लिए मैं अब यहाँ पे इसको मैं रख दूंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे ऐसे आटा हमारा गूंथे गया है, तो इसको ढक के रख लेती हूँ मैं 10 मिनट साइड करती हूँ। ये देखिए मेरे पास 500 ग्राम फ्लावर है, तो यहाँ पे इसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो आप चाहिए तो हैंड चॉपर में डाल के बारीक भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी अच्छा है। तो यहाँ पे कद्दूकस कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए हमारा बारीक। तो यहाँ पे अभी इसका पानी है जो इसमें से ये निकाल लेंगे, अगर पानी इसमें रहेगा तो पराठे हमारे पूरे खराब हो जाएंगे, पनीले हो जाएंगे ना, ये आटे में बैठने वाले वो। तो ये देखिए किस तरह से सूखा हमने ड्राई कर दिया है इसको पानी निकाल के, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए कुछ मसाले, थोड़ी सी हरी धनिया है, चार हरी मिर्ची है, आधी प्याज है। तो यहाँ पे इसको भी हैंड चॉपर में डाल के हम मिर्ची को और ये कर लेते हैं बारीक से चॉप कर लेते हैं। यहाँ पे डाली मैंने हरी धनिया हाथ से काट के, और ये जो मिर्ची और जो प्याज थी इसको हमने हैंड चॉपर में डाल के चॉप कर लिए थे। अब यहाँ पे डालती हूँ मैं आधा चम्मच से भी कम है हमारे पास जीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून के करीब है साबुत धनिया। यहाँ पे मैं 1 टी स्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी और हल्दी हाफ टी स्पून डालूंगी, और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। नमक डाल दूंगी साथ ही में, क्योंकि हमने पहले आटे में भी नमक लगाया है। यहाँ पे चाट मसाला पाउडर डालूंगी, और 2 से 3 चुटकी ही डाली हूँ मैंने क्योंकि नमक उसमें भी होता है। तो ये देखिए आटा हमारा रेस्ट हो चुका है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे इसकी लोई बना ली हूँ मैंने, और यहाँ पे अभी मैं इसको हल्के से बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सूखा आटा लगा के बेल लेती हूँ, थोड़ा सा इसको ये कर लेती हूँ ताकि इसमें फिलिंग बन भर जाए। ये हमारा पहला पराठा है, तो ये भी बहुत इजी तरीके से बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए इसमें मैंने भरी हूँ, आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से आप भरिएगा। तो यहाँ पे इसका मुंह हम बंद कर देते हैं ताकि ये जो बेलने के टाइम बाहर ना आए इसमें की फिलिंग। तो यहाँ पे मुंह बंद कर दिए, बचेला आटा निकाल दिए है, आप चाहे तो लपेट सकते उसी में आटा। अब यहाँ पे हम अच्छे से इसको आटा लगा के इसको बेल लेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से बहुत इजी पराठा है दोस्तों, बनाया करिए आप भी। ये देखिए बस अभी इसको धीमे हाथ से बेलेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे नहीं तो पराठे फट सकते हैं। ये देखिए बस ऐसे धीमे हाथों से बेलते रहेंगे, बहुत इजीली बन जाते पराठा और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। यहाँ देखिए हमने पराठे को बेल लिए, थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग बाहर दिख रही है तो कोई ये नहीं है मसला, बन जाएगा। उसमें ऑयल या घी पड़ेगा तो और टेस्टी बनता है। यहाँ पे हमने तवे पे इसको डाल दिए है, और यहाँ पे इसको सेक लेते। यहाँ देखिए इसकी साइड चेंज करिए, इसमें देखिए कितना अच्छा सेके गया है। यहाँ पे मैं बटर डाल रही हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे इसकी साइड फिर चेंज कर देती हूँ, और यहाँ से भी लगा लेती हूँ मैं बटर। ये देखिए अब इनको फिर से एक बार अलट पलट कर लेती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए जबरदस्त पराठे हमारे तैयार हो गए दोस्तों। ये देखिए बस ये सीख ही गया है। अब इसको हम ना हटाते हैं, अब ये दूसरे पराठे हम आपको बताते हैं। ये भी बहुत इजी तरीके से बन जाएगा दोस्तों, अगर आप चाहे तो बना सकते हैं, मैंने बताई हूँ इसमें। तो यहाँ देखिए ये दूसरा पराठा हमारा, रोटी बेल गई है, अब इसमें मैं डालती हूँ फिलिंग। ये देखिए बस इसको अभी फैला दूंगी मैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पे ये एक कोर उठा के इस पे रख देते हैं, और साइडों से इसका मुंह अच्छी तरह से पैक कर देंगे ताकि इसके जो भी हमने भरे ये बाहर ना आए। ये देखिए ये हो गया, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं इसके ऊपर, और इसको तवे पे हम डाल देते।
यहाँ पे इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी रहेगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में बेल आइकन को दबाना ताकि जो न्यू रेसिपी हमारी आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे मैंने इसको ऑयल लगाई हूँ, चाहे तो आप घी भी लगा सकते हैं। अब इसको यहाँ पे भी तेल लगा लेती हूँ दोनों। तो चलिए दूसरा बन गया। ये तीसरे पराठा देखिए, ये भी बहुत इजी है। इस देखिए डबल पेड़ा मैंने रखी हूँ, दोनों को एक साथ में फैला लेती हूँ और यहाँ से इसमें से अलग कर देती हूँ। अब एक को पहले बेल लेंगे, रोटी जैसा इसको पूरी रोटी बेल लेते हैं हम। इसी तरह से दूसरे को भी बेल लेंगे और यहाँ देखिए यहाँ इसके ऊपर मैं रखती हूँ फिलिंग और पूरा फैला लेती हूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए मैंने फैलाई और इस पर दूसरी रोटी रख लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से साइडों से इसका भी मुँह अच्छी तरह से पैक कर लेंगे ताकि सेकने के टाइम कोई दिक्कत ना हो इस पे। तो यहाँ देखिए ये बंद कर ली मैंने मुँह अच्छी तरह से और इसको भी डाल देती तवे पे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा तीसरा पराठा भी कितना इजी तरीके से बन गया है। तो यहाँ पे भी इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। एक ही फिलिंग में हमने चार पराठे बनाए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी रहेगी ये रेसिपी। अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर मैंने लगाई हूँ घी। अब इसकी साइड यहाँ से फिर से एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए देखने में कितनी जबरदस्त फूले से पराठे हमारे तैयार है फूलगोभी के। यहाँ पे भी हम इसको फैला लेते हैं अच्छी तरह से, बस इसको उतार लेते हैं यहाँ पे। अब चलिए लास्ट का पराठा हमारा। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी मैंने फिलिंग भर ली हूँ। ये देखिए तरीके से पूरी तरह से फैला ली हूँ यहाँ से। अब यहाँ से इसको उठा के इस भाग पे लेकर आते हैं इसको और यहाँ से उठा के इसको इस तरफ ले आते हैं। ये देखिए बीच में हाथ रखेंगे और यहाँ पे बराबर कोना मिला लेंगे, तीनों कोने को मिला लेते अच्छी तरह से। और यहाँ से इसको भी हम पैक कर लेंगे अच्छे से इसका मुंह, और यहाँ पे थोड़ा सा खुशका लगा के इसको भी हम बेल लेंगे धीमे हाथों से। तो ये हम अक्सर पराठे तो घर में सुबह नाश्ते के टाइम बनाते ही है, तीन कोने के पराठे। तो यहाँ देखिए इसको डाल दी तवे पे, इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऑयल लगा रही हूँ। ये देखिए कितने जबरदस्त पराठे तैयार है। चलते यहाँ से भी हम लगाते हैं इसको ऑयल और साइड चेंज कर करके पलट पलट के इनको सेक लेते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगेगी तो जरूर हमें कमेंट में बताना। तो ये देखिए जबरदस्त हमारी फिलिंग वाली रेसिपी, तो फूल गोभी की रेसिपी पराठे है ये, बनाया करिए दोस्तों घर में। बच्चे सब घर में नंबर पसंद करते शौक से खाते हैं। और यहाँ देखिए इसके भी देखिए सब में फिलिंग अच्छी है। अब जरूर इसे घर में ट्राई करेगा। चार किस्म का पराठे हमने आपको बता दिए। ले फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।